घर पे बनाए मेवा का गुलाब जामुन। पहले मेवा को ले और उसको प्लेट पे अच्छी तरह से मिक्स करें। आधे के जी नहीं मेवा में 1 कप मैदा मिलाएं। अच्छी तरह से गूंथ जाने के बाद इसमें मीठा सोडा मिलाएं। उसके बाद इसको मिक्स करें। अभी अच्छी तरह से गूंथ चुका है। अभी इसे सेट होने के लिए 20 मिनट तक एक प्लेट में रखकर उसको ढककर छोड़ देंगे, जिससे वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। अभी इसे सीरे के लिए पानी डाल रहे हैं। आधे के लिए मावे में सीरा के लिए 1 केजी चीनी डालें और उसको गैस पे अच्छी तरह से बॉयल करें। अभी मेरा सीरा बनकर तैयार हो गया। ये गुदा हुआ अभी मेरे पास तैयार हो गया गोली काटने के लिए। ये इसका भी छोटे छोटे गोली, सुंदर और गोल गोल गोलियां बनता हुआ। ये गोली बिल्कुल चिकना और सुंदर बन गया है। ये सुंदर गोलियां ढेर सारा बन गया है। ये पूरे गोली बनकर तैयार। अब इसको छानने के लिए कढ़ाई में हम रिफाइंड डालेंगे। ये हमारी कढ़ाई में रिफाइंड डाल रहे हैं। इसमें इसको पूरा हीट करेंगे। हीट करने के बाद इसमें गोली डाल बॉल को डालेंगे। ये बॉल को तेल में छानने के लिए डाल रहे हैं। ये हमारे बॉल पक रहे हैं लो आंच पे, धीमी आंच पे। इसको धीरे धीरे हम पका रहे हैं जब तक ये पूरा ब्राउन हो जाएगा तब तक। ये पूरे गोली छन कर तैयार है। अब इसको हम डालेंगे सीरा में निकाल कर। ये बॉल को सीरे में डाल रहे हैं। ये मज़ेदार फूले फूल गया गुलाब जामुन बनकर तैयार। अभी इसको हम टेस्ट करते हैं कैसा है बना है। ओह क्या मज़ेदार है, पूरा मुलायम खिले हुए गुलाब जामुन।